दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस ने जारी की 51 उम्मीदवारों के नाम की सूची। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। जारी की गई सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का भी नाम शामिल है। वही नितिन राउत ने नागपुर उत्तर और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिनिधि शिंदे सोलापुर सेंट्रल से चुनाव लड़ेगी। बता दे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियां 125-125 सीटों पर लड़ेगी और बची हुई 38 सीटों पर गठबंधन के और सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। बता दे कि कांग्रेस एनसीपी ने 2014 में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। तब कांग्रेस और राकाम के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद पवार की पार्टी ने 15 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 तो एनसीपी ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 की इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा और 122 सीटों मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठजोड़ से पहले दोनों ही दलों के कई प्रमुख नेता साथ जोड़कर जा चुके हैं। इनमें से राकांपा से ज्यादा नेता गए हैं। इनमें से कई नेताओं ने भाजपाई का तो कुछ ने शिवसेना का दामन थामा था। बता दे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने हाल ही में ऐलान किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापस लेने की तारीख 7 अक्टूबर को होगी। लोकसभा चुनाव के बाद यह इस साल के पहले राज्य चुनाव है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। दोस्तों, आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।